जयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। अजीतानंद सरदार के खिलाफ लामबद्ध हुए कई कर्जदार, सरदार ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न, 125 छात्रों को विद्या वाचस्पति से नवाजा। महारानी वसुंधरा को दो दिवसीय दौरा हुआ पूरा, संभाग की जनता को दिखाया रिपोर्ट कार्ड, अधिकारियों और जनसेवकों को कहा जल्द हो सारे काम। और लाख की चूड़िया दुनिया भर में खनकेगी, राजस्थान में उत्पादन को दिया जा रहा है बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पैसों के अजीब से खेल की। अजीतानंद सरदार एक ऐसा नाम जो शहर में काफी मशहूर है। श्री आनंद के बारे में कहा जाता है कि इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खाकी को तो ये अपनी जेब में रखते हैं और कानून के सारे दावपेच इनको अच्छी तरह से आते हैं। इसी महारत ने अजीत आनंद सरदार को करोड़ों की चल अचल बेनामी संपत्ति का मालिक बना दिया। कुछ सालों में इतनी संपत्ति मिलने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अजीत आनंद को लोगों के खाली चेक स्टाम्प से खेलना अच्छी तरह से आ गया था। जरूरतमंद जैसे ही इनके पास पहुंचता, सोचो वो तो हमेशा हमेशा के लिए फंस ही गया। मूल राशि के 3 से 4 गुना ज्यादा देने के बाद भी अजीत आनंद का पैसा खरा का खरा ही रहता था। कई घर बर्बाद हो गए, लेकिन अजीत आनंद लगातार आबाद होते गए। आप सभी सोच रहे होंगे कि आपकी नजरों में अजीत आनंद जैसे इज्जतदार शख्स पर उदयपुर न्यूज आरोप कैसे लगा रहा है, लेकिन ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं बालाजी हॉस्पिटल के मैनेजर अमरीश के जहर खाने के बाद सामने आए कई पीड़ित लोगों ने, जो आज भी अजीत आनंद की धमकियों और कानून से मिले नोटिसों से परेशान होकर लगातार पैसा पहुंचाने का काम ही कर रहे हैं। आइए इस पूरे खेल की परतें खोलने से पहले उन पीड़ितों की कहानी से आपको भी रूबरू करवाते हैं। उदयपुर न्यूज कार्यालय के बाहर खड़े इन पीड़ितों को देखिए, सभी एक ही आदमी की ज्यादतियों से परेशान होने का आरोप लगा रहे हैं। व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अजीत आनंद से पैसा लिया था, इस बात से भी सभी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में अजीत आनंद ने इनसे हस्ताक्षरशुदा कई खाली चेक और स्टाम्प ले लिए। पैसा लेन देन का कारोबार भी चलता रहा, लेकिन बाद में अजीत आनंद ने उन्हीं दस्तावेजों में ऐसी इबारत लिख डाली जिसकी कल्पना ये पीड़ित सपने में भी नहीं कर सकते थे। चलिए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं एक ऐसे पिता पुत्र से जिनका कहना है कि उन्होंने अजीत आनंद से 4 लाख रुपए ब्याज पर लिए, इसके बदले में 5 लाख 10 हजार चुका भी दिए, लेकिन बावजूद इसके अजीत आनंद ने 4 लाख के कब 8 लाख किए यह इन पिता पुत्रों को कभी पता भी नहीं चला, क्योंकि दस्तावेज तो खाली ही थे और उस पर कुछ भी लिखा जा सकता था। गोवर्धन विलास थाने में दरोगा के सामने 11 लाख रुपए के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी दबाव बनाकर करवा लिए गए। अखबार ने हरजिंद सिंह की दुकान का मालिकाना हक होने का नोटिस देते हुए किसी भी बैंक को इस पर लोन नहीं देने की बात भी आम सूचना के तहत छपवा दी गई। सुनिए दोनों पिता पुत्र क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे सुपुत्र ने अजीत सिंह से 4 लाख रुपया केस लिया, जो मेरी जानकारी में था। इसने बीच में बच्चे को बुला के 4 लाख की लिखा पड़ी अपने उसी स्टाम्प पे भी इसने करवा ली, और 4 चेक खुद के मेरे बच्चे के और 1 चेक मेरा उसने अपने पास मंगा के रख लिया। थोड़े दिन गुजरने के बाद उसने मेरे को बोला, भाई तेरा मैं लोन करा देता हूँ, तो तू ओरिजिनल कागज मेरे पास ले जा। मैं और मेरा बच्चा उसके पास ओरिजिनल कागज लेके गए, तो इसने अपने पास कागज रख लिया कि वहाँ मैं दिखा दूंगा, और उसी स्टाम्प पे ओरिजिनल कागज की रिसिप्ट मेरे से ले ली, तो ओरिजिनल कागज मेरे पास है। फिर 4 दिन बाद इसने अखबार में निकाल दिया कि मेरे ये दुकान मेरे इन्होंने मेरे को भेज दी है। तो मैं इसके पास गया, मेरे कहा कब तेरे को मैंने ये दुकान बेची, तो कहते ये तो मेरे फॉर्मेलिटी होती है, हम इसको करना जरूरी होता है। उसके बाद मेरे को तंग करने लग गया, तंग करते करते इसने अभी गोवर्धन विलास थाने में एक रिपोर्ट दी, उसके उपरांत मेरे बच्चे को वहाँ बुलाया गया, तो वहाँ सीआई साहब ने बच्चे से 11.5 लाख रुपए की लिखा पढ़ी करवा दी कि भाई इसको 11.5 लाख रुपए दे, और टाइम मांगा, टाइम उसने 5 दिसंबर का लिखवा लिया था कि 5 दिसंबर तक इस दुकान का पैसा नहीं दूंगा तो ये दुकान आपके नाम से रजिस्ट्री करा दूँ। तो मेरा बच्चा घबरा के रिश्तेदारों के साथ आईजी ऑफिस गया, वहाँ इन्होंने एक परिवार दिया, वो मेरी जानकारी भी नहीं था, उसके बाद जानकारी दी बच्चों ने मेरे रिश्तेदारों ने कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया और बच्चा डिप्रेशन में आ गया। मैं यही कहना चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, मैंने पैसा लिया पैसा देना है, पैसे की मेरे को ऐसा नहीं है, बट निष्पक्ष जांच की जाए। ये डबल पैसा लेना करना
अब इतना तो मेरे चार चेक दे रहा और डराता धमकाता है, मेरे बच्चे और मेरे सारे घर वाले डिप्रेशन में आ चुके हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आए दिन परेशान करना, आए दिन फोन करना, आए दिन मेरे बच्चों को डराना करना, ये रोज का काम हो गया। पुलिस वाला से अलग डरवाता है, ये करता है, तो थोड़ी सी निष्पक्ष जांच की जाए। आईजी साहब को, कलेक्टर साहब को मैंने अपनी तरफ से भी रिपोर्ट दी है, मेरा ये कहना है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये अजीत सिंह इतना टॉर्चर करने लग गया है, तो अब मेरे घर वाले कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैंने अजीत सिंह से एक साल पहले 4 लाख रुपए लिए थे, अजीत सिंह ने मुझसे 8 लाख रुपए की लिखा पढ़ी कराई और मुझे आम सूचना के द्वारा प्राप्त 8 सितंबर को पता लगा कि इसने मुझे है ना दुकान की सूचना निकाली, 8 लाख रुपए में खरीद ली है। अब ये मुझे कह रहा है कि ये दुकान मैंने तुझसे खरीद ली है, कोई भी इसमें और लिखा पढ़ी ना करें और लोन ना दें। अब इसने मुझे है ना सितंबर में बुलाया थाने के अंदर और थाने के सामने 11 लाख रुपए लिखवाए CI साहब के सामने और यही बोला कि 5 दिसंबर को 11 लाख रुपए लौटा देना, नहीं तो दुकान की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी और ऊपर से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। मेरी गृह मंत्री जी से और प्रशासन से यही है कि है ना आप मुझे इंसाफ दिलाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 4 लाख रुपए के 11 लाख होने के खेल के बाद परेशान हरजिंदर सिंह कई बार अजीत आनंद के पास भी गए, लेकिन वहां से कोई न्यायोचित जवाब नहीं दिया गया। हरजिंदर सिंह अपनी दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन बात नहीं बनी। गत 8 दिसंबर को पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष दोनों पिता पुत्र पेश हुए और न्याय मांगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच बालाजी हॉस्पिटल के मैनेजर के जहर खाने की सूचना मिली और कारण सिर्फ अजीत आनंद ही सामने आया। इस पर पिता पुत्रों की आस फिर बंधी और जिला कलेक्टर के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष दोनों ने पेश होकर न्याय मांगा। चलिए आपको मिलवाते हैं संदीप घोष से, जो करीब 6 साल पहले अजीत आनंद के संपर्क में आया था। संदीप ने बताया कि श्री आनंद पूजा एसोसिएट्स नाम की एक फर्म से लोन देने का कार्य करता था, इसलिए वह भी रुपए लेने चला गया। करीब 12 लाख रुपए उसने ऋण पर लिए, इसके बदले में अजीत आनंद ने 30 से 35 लाख रुपए ले लिए, लेकिन खाली चेक स्टाम्प आज तक नहीं दिए। कुछ दिनों पहले अजीत के एक दोस्त रमेश चंद्र के माध्यम से चेक अनादरण करवाया और 6 लाख की राशि नहीं देने का नोटिस भी भिजवाया। 14 अक्टूबर 2015 को पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार भी की, लेकिन वह शिकायत भी फाइलों में बंद होकर ही रह गई। आज भी उसके चेक स्टाम्प अजीत आनंद के पास ही है। आज से 5 से 6 साल पहले मेरी अजीत सिंह जी से मुलाकात हुई थी। मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था, उनसे मेरा पैसे का लेन देन चलता रहता था। उनसे मैंने लगभग 10 से 12 लाख रुपए इस दौरान लिए होंगे 4-5 साल में, और उनको कम से कम 35 से 40 लाख रुपए लौटाए ब्याज समेत। उसके बावजूद उन्होंने मेरे कागज नहीं दिए, न एग्रीमेंट दिया, न चेक दिए, कुछ वापस नहीं दिया कि मैं देता हूँ करते रहे। एक दिन उन्होंने क्या है कि इसके एवज में मुझसे पैसे मांगने चालू कर दिए। उसकी मैंने थाने में कंप्लेन भी करी थी, लेकिन फिर वहाँ से कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने आईजी ऑफिस में परिवाद भी दिया था, तो मैटर तो सुलट गया, पैसे तो नहीं मांगते वो, लेकिन मेरे कागज नहीं लौटा है, चेक नहीं लौटा है। बाद में उन्होंने क्या है कि वो चेक अपने ही किसी परिचित को दे दुआ अगेन, चेक बाउंस करा अगेन, मेरे ऊपर मुकदमा और कर दिया। तो उसके अगेंस्ट में भी मैंने अभी परिवाद दिया है, आईजी ऑफिस में भी दिया है और कलेक्टर साहब को भी दिया है, और मैं SP ऑफिस में भी जाऊंगा। एक बार ये CMG का विजिट खत्म हो जाए उसके बाद इसके बारे में भी मैं कार्रवाई करूंगा। श्री बालाजी हॉस्पिटल के मैनेजर अमरीश, जिसका इलाज अभी अहमदाबाद में चल रहा है, उसके भाई उमेश कुमार ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि अजीत आनंद ने पूरे परिवार को काफी परेशान किया है। हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वह इस मामले को लेकर गृह सेवक कटारिया से भी मिला और न्याय की गुहार की। मेरा नाम उमेश कुमार है, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने पुलिस थानों में FIR कराई, उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इस संदर्भ में गृह मंत्री जी को भी ईमेल किया है, मुझे आशा है कि गृह मंत्री जी मेरा साथ जरूर देंगे, इसके सही कार्रवाई कराएंगे। अब तक आपने जिन लोगों की कहानी सुनी वह सभी अजीत आनंद से लेन देन कर चुके हैं और आज तक उसकी भरपाई कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज का हमेशा मकसद दोनों पहलुओं को चलाने का रहा है। इसके लिए 3 दिन से हमारी न्यूज टीम ने अजीत आनंद सरदार से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के चलते अजीत आनंद कैमरे के सामने नहीं आए। लेकिन गुरुवार को श्री आनंद उदयपुर न्यूज के कार्यालय में आए और अपने पर लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। श्री आनंद ने मय दस्तावेज के सारे सबूत भी दिखाए।
हमने जब श्री आनंद से पूछा कि क्या वह मनी लैंडिंग का काम करते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन अखबारों में विज्ञापन और उनके विजिटिंग कार्ड फाइनेंस सुविधा उपलब्ध होने के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैंने एक आज से करीब 3 साल पहले अमरीश कुमार और भरत साहू ने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जिसका नाम था श्री बालाजी हॉस्पिटल। उस पर उनको निर्माण करने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल को चलाया और चलाने के बाद उस पर कम से कम 5 करोड़ रुपये का कर्जा उन लोगों पर हो गया। आज से करीब 2.5 साल पहले उसके 60% शेयर अरविंद कुमार जैन और सुख संपत बागड़ी इन दोनों ने उससे परचेज किए और उसके बाद उनसे भी हॉस्पिटल नहीं चला और नहीं चलने के बाद आज से 2 साल बाद 2 साल पहले सुख संपत बागड़ी और अरविंद कुमार जैन और अमरीश कुमार और भरत साहू मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस हॉस्पिटल को पैसा लगा दो और आप चलाओ उसको। तो मैंने उसको 1,21,00,000 रुपये में भरत साहू और अरविंद जैन और अपना सुषम बागड़ी से उस हॉस्पिटल को खरीदा 1,21,00,000 रुपये में, जिसका मैंने चेक पेमेंट अदा किया और वहाँ मैंने एक अपनी फर्म बनाई अपनी बेटी के नाम से, सांची हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसके बाद उस हॉस्पिटल का नाम हो गया श्री बालाजी आनंद हॉस्पिटल। उसको मैंने 10 महीने बहुत अच्छी तरह रन किया और पैसा लगा के मैंने बहुत अच्छा रन चलाया और जिसमें कि उसको चलाने की जिम्मेदारी अपनी हेमलता मिश्रा जो कि अमरीश की बीवी है उसकी थी और उसके अंदर 5% शेयर हेमलता मिश्रा के थे, 5% शेयर हेमलता साहू जो भरत कुमार की मिसेज है और 90% शेयर मेरे पास थे। आज से 1 साल पहले सुख संपत बागड़ी और प्लस ये सब लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल को हम चलाएं तो कैसा रहेगा। इसके बाद ये हॉस्पिटल हमने हेमलता मिश्रा को 40% शेयर मैंने इनको दिए प्लस डॉक्टर मुकेश गर्ग जो कि पहले माँ गायत्री हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन थे जो अब इस समय अनंता हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, 50% शेयर मैंने उनको दिए और एक एग्रीमेंट उनसे हुआ कि 21,00,000 रुपये हेमलता मिश्रा और डॉक्टर मुकेश गर्ग मेरे को देंगे और इसके एवज में और इसके अलग 6,00,000 रुपये पर मंथ 3 साल तक ये लोग मेरे को पे करेंगे। इसलिए इनका तब ये अगर पेमेंट पूरा हो जाता है तो ये इनका हॉस्पिटल हो जाएगा, सारी मशीनरी इनकी हो जाएगी। इस तरीके से ये काम हुआ, लेकिन अभी 7 महीने से ना तो रेंट गया है, 4 महीने से किस्त नहीं गई है और TDS बाकी है, PF बाकी है, प्लस मेरा पैसा भी बाकी है। इस मेरे को उलझाने के चक्कर में इन लोगों ने ये काम किया है जो कि इनको पहले से तैयारी थी, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सुमित पाल सिंह जी जो आए हैं उनसे मैंने उनकी एक दुकान परचेज की थी जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं और उनका मैंने एक FIR उनके गोरेमुला थाने में लिखाई है। उन्होंने वादा किया था 5/12 को मैं इसके नाम रजिस्ट्री करा दूंगा, वो उन्होंने लिखित में दे रखा है, लेकिन अभी ये काम होने से ये सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। 4,00,000 रुपये आपने उनके बेटे को दिए थे? 4,00,000 रुपये वो दिए हैं और आपने थाने में बैठ के लिखवाया है और ये सारी लिखा पढ़ी वहाँ कराई है। 4,00,000 रुपये चेक से, 4,00,000 रुपये चेक से और 4,00,000 रुपये मैंने उनको कैश दिए हुए हैं। आपकी रिकॉर्डिंग भी आई है जो उन्होंने की है, क्या यही वाली बात थी आपने जो पैसे लिए थे? हाँ, ठीक है, आप पैसे देने आपको रजिस्ट्री कराना चाहते थे। हाँ जी। और उसके बाद में अमरीश की बात की भी रिकॉर्डिंग आई कि आप पैसे नहीं दे रहे थे और इस तरह से दुकान उनके मतलब मालिका ना उनका था लेकिन आपने जबरदस्ती कर लिया। कौन सी? आनंद बालाजी हॉस्पिटल। नहीं, वो तो मेरे नाम पे ही है अभी भी अभी जो मैंने शेयर दिए हैं वो मैंने डॉक्टर मुकेश गर्ग को दिए हैं 50% शेयर और 40% शेयर मैंने ब्याज का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरे बैठे का। तो आपके इसमें लिखा हुआ है जो आपके कार्ड है, हाँ जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप फाइनेंस का काम करते हैं? जी नहीं, पहले करता था। प्रिंसेस नाम की जो दुकान है वो मेरे कपड़े की है। 20,000 से 5,00,000 तक जो आपने खुद ने ऐड दिया है वो ऐड है आपका जो एसोसिएट से पूजा एसोसिएट में लिख रहा है फाइनेंस सुविधा अवेलेबल। हाँ, ये क्या फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कपड़ों पे है सर? फाइनेंस सुविधा उपलब्ध अपने जो अपने शादी के जो हैं अपन लेके आते हैं शेरवानी और रेंट पे प्लस अपने लहंगे वगैरह इसके ऊपर फाइनेंस उपलब्ध है। मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं। इतने सारे लोगों के चेक स्टाम्प या इतने सारे लोगों को पैसा देना ये किस अधिकार में करते हैं? किसका? हमने तो प्रॉपर्टी का काम किया, हमने कहीं पे भी आप दिखाइए किसको पैसा दिया हमने, चेक से हमने पैसा दिया है और हमने प्रॉपर्टी के ही काम, मेरा प्रॉपर्टी का काम भी है, मेरा मोटर पार्ट का काम भी है, मेरा हॉस्पिटल भी है और मेरा शोरूम भी है, आप 4 काम मेरे इसके अंदर। इस पूरी कहानी में कौन सही है और कौन गलत,
यह तो वह लोग ही जानते हैं जो इस खेल के किरदार हैं। लेकिन लगातार मिलने वाली शिकायतों से यह लगता है कि या तो अजीत आनंद सरदार को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है या उनकी हकीकत सामने आ रही है। हमारा मकसद आपको सच्चाई दिखाने का था, जिस संकल्प को हम आगे भी निभाते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गुरुवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए 24वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में दी गई डिग्री और गोल्ड मेडल के मामले में छात्राओं ने बाजी मार ली। विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार शुरू किया गया पहला चांसलर गोल्ड मेडल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हीना धाबाई को दिया गया। वहीं कुल 52 गोल्ड मेडल में से 39 मेडल छात्राओं के नाम रहे। 24वें दीक्षांत समारोह में कुल 124 पीएचडी डिग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें से 55 छात्राओं ने पीएचडी हासिल की। विवेकानंद सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में डिग्री वितरण के दौरान 1962 के बाद पहली बार इतिहास विषय में डीलिट की उपाधि तारा मंगल को दी गई। पीएचडी की डिग्रियां विज्ञान संकाय में 24, पृथ्वी विज्ञान में 11, विधि में 8, शिक्षा संकाय में 9, प्रबंध संकाय में 7, मानविकी में 26, वाणिज्य संकाय में 18 और सामाजिक विज्ञान संकाय में 21 विद्यार्थियों को प्रदान की गए। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, कुलपति जेपी शर्मा सहित विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी सत्यनारायण मगरोरा की पुत्रवधु कीर्ति दशोरा को भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। श्रीमती दशोरा ने बताया कि उन्होंने शारीरिक विज्ञान विषय में स्वर्ण पदक जीता है। इसका श्रेय वह अपने गुरु देवेंद्र सिंह सिसोदिया और परिजनों को देना चाहती है। इन सब की वजह से ही वह यहाँ तक पहुँची है। सन 2015 की जो IMA की परीक्षा में मुझे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय BN कॉलेज से मैंने अध्ययन किया हुआ, वहाँ से मुझे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है, जिसके लिए मैं अपने गुरुजन और अपने माता पिता और अपने सास ससुर का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं, खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294-241-4256 और 9414-1222-1। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सल, लेडीज जेंट्स एंड किड्स ऑल गार्मेंट्स।
411 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294-2411-066. Ryan Motors लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाए। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। के बाद आपका स्वागत है। अब प्रदेश में उत्पादित लाख से बनी चूड़ियां देश और विदेशों के बाजार में अपनी खनक खनकाएंगे। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से यह परियोजना पिछले एक साल से चल रही है। लाख के संरक्षण और उत्पादन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में कुल 8 केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें एक केंद्र उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बनाया गया है, जहां से प्रदेश सहित गुजरात और हरियाणा में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के RCA कॉलेज में इसके लिए एक प्रयोगशाला भी बनाई गई है, जिसमें लाख के ऊपर लगातार शोध के कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक वेस्ट बंगाल से आयात लाख से जयपुर सहित प्रदेश भर में चूड़ियों का बाजार चलता था, लेकिन अब उसी लाख का उत्पादन प्रदेश में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। देश में पिछले कई वर्षों से लाख का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, जिससे ये ऐतिहासिक धरोहर विलुप्त होने की कगार पर जा पहुंची है। ऐसे में इस धरोहर के संरक्षण और इसका उत्पादन बढ़ाने का जिम्मा उठाया है केंद्र के मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार की ओर से लाख के संरक्षण के लिए कुल 8 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लाख के लाभदायक कीटों का सर्वे, किन किन पोषण वृक्षों पर पनपा और उनकी क्या संभावना जैसे बिंदुओं पर विस्तार से अनुसंधान किया जा रहा है। लाख प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली राल और मुख्य वन की उपज है। लाख कीट कुछ विशेष वृक्षों की कोमल शाखाओं से रस चूसकर जीवित रहता है। लाख कीट के द्वारा शरीर में फैली सूक्ष्म ग्रंथियों से स्त्राव उत्पन्न किया जाता है, जो वातावरण के संपर्क में आकर सूख जाते हैं। यह लाख कीटों के लिए सुरक्षा का काम करता है, इसे ही लाख कहते हैं। इस लाख से चूड़ियां, विद्युत इंसुलेटर, कलर इंडस्ट्री, कपड़ों की रंगाई आदि कई कामों में उपयोग होता है। भारत सरकार की ICR द्वारा लाख कीट अनुवांशिक के संरक्षण पर एक नेटवर्क परियोजना चालू की गई है। पिछले साल से सितंबर 2014 में यह परियोजना चालू हुई, जिसके अंतर्गत पूरे देश को 8 संभागों में बांटा है और देश के अंदर 8 सेंटर का अंदर लाख कीट के संरक्षण की योजना क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें से एक केंद्र महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग में चल रहा है। इस परियोजना को स्टार्ट करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि लाख का जो कीट है, अपने भारतवर्ष में लाख वैदिक काल से जानी जा रही है। आपने महाभारत में प्रसंग सुना होगा लाक्षाग्रह का, जिसमें कि पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षाग्रह का निर्माण होता है। वो एक लाख द्वारा निर्मित महल था, यानी कि हमारे देश में लाख बहुत आयात में उत्पन्न होती थी, यहां तक कि उसे महल का भी निर्माण हो गया। लेकिन धीरे धीरे पिछले सालों में, पिछली सेंचुरीज में, ओवर द डिकेड्स, लाख का जो उत्पादन है अपने भारतवर्ष में घटता जा रहा है और ये कीट यहां से विलुप्तता की ओर अग्रसर है। अगर इसका बचाव नहीं किया गया तो हमारे देश की एक बहुत ही अमूल्य जो धरोहर है वो विलुप्त हो जाएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक परियोजना का चालू की है, जिसके मुख्य उद्देश्य लाख के कीटों का सर्वे करना कि भाई कहां कहां पाए जाते हैं, किन पोषक वृक्षों पे पाए जाते हैं, क्योंकि लाख का कीट जो है सभी पोषक वृक्ष पे नहीं पनपता है, ये कुछ मुख्य पोषक वृक्ष है उनके ऊपर इसका
जीवन काल चलता है। तो पहला तो हमें सर्वे करना है, और उदयपुर का जो केंद्र है मैं बता दूं आपको, यहां से गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और नागर दादर हवेली, इन चार राज्यों का प्रभार उदयपुर के केंद्र को सौंपा गया है कि इन चार राज्यों में कौन कौन से तो लाख के पोषक वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं, और कौन कौन सी प्रजातियां, क्योंकि इसके अंदर भी दो प्रजाति है लाख के कीट की, दो प्रजाति मुख्य है, एक तो है रंगीनी और एक है कुसुमी। रंगीनी जो लाख प्रजाति है वो बेर और पलाश पर ज्यादातर होती है, और कुसुमी सिर्फ कुसुम पर होती है। तो अपने ये जो चार राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन प्रदेशों में बेर बहुत आयात में जंगल में भी पाया जाता है और फार्मलैंड पे भी, किसान के अपने खेत पर भी पाया जाता है। इसके अलावा इन प्रदेशों में जो पोषक वृक्ष हैं, जितने भी एकेशिया स्पीसीज हैं, एकेशिया आपको समझा दूं मैं, कांटेदार जो झाड़ियां हैं, जैसे आपका कीकर है, आपका बबूल है ना, ये जो प्रजातियां हैं, इसके ऊपर भी लाख पाया गया है। परियोजना प्रभारी डॉक्टर हेमंत स्वामी ने बताया कि लाख दो प्रकार की होती है, रंगीनी और कुसुमी। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को राजस्थान सहित चार राज्यों का प्रभार दिया गया है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और नागर दादर हवेली का प्रभार उदयपुर को दिया गया है। इन सभी राज्यों में रंगीनी प्रकार की लाख का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पलाश, बेर, कुसुम और सेमियालता के पेड़ पर ही होती थी, लेकिन एमपीएच में हुए शोध में लाख का उत्पादन अरहर की फसल पर होना भी सामने आया है। इस अनुसंधान से इसका फायदा राजस्थान प्रदेश को होगा, क्योंकि यहाँ के किसान बड़ी मात्रा में अरहर की खेती करते हैं। इसके साथ ही अगर लाख का उत्पादन भी शुरू कर दिया जाए तो दो गुना से अधिक मुनाफा किसानों को होगा। इस परियोजना के तहत प्रदेश में अब तक चार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 187 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रयोगशाला में किए गए शोध से यह सामने आया है कि प्रति बीघा किसान 5,000 की लागत लगाकर इसे शुरू करेगा तो उसे 50,000 रुपए तक की आय प्राप्त होगी। अभी अपना रस साबित करेंगे और परिपक्व होते रहेंगे। और अरहर की फसल हमने ले ली, अरहर की आपको दिक्कत होता है? ये सब पे बैठ गई है, दिख रहा है? 10-20 दिन हुआ इनको हमने। इसका भी जब अगर निर्गमन होने के बाद आपने लाके बांधा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको सही समय पे लाके बांधना है, क्योंकि अभी इस पे क्या हमारी बीमारी आ गई है एक। अच्छा। तो मैंने क्या इनकी क्लिपिंग करा दी है। अब आप गिरेगा तो नहीं, वो डंडी पे रहेगा। अच्छा, खाकरा अपने खाकरे पे। शुरुआती दौर में अभी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है लाख के कीट का सर्वे करना है, पहली बात यहाँ है या नहीं, दूसरा इसके पोषक वृक्ष की क्या पोजीशन है, वो कितने वृद्ध स्तर पर पाए जाते हैं, तीसरा अगर लाख का कीट यहाँ है तो उसकी खेती की क्या संभावना है, उसको टटोलना है, उसके ऊपर अनुसंधान करना है, और चौथा मुख्य उद्देश्य इसका है लाख के बारे में आम जनता को, आम किसान को जागरूकता पैदा करना और उसकी खेती के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी देकर उसको बढ़ावा देना। तो इस दिशा में हमने हमारे केंद्र में बेर पलाश तो पारंपरिक है ही है, जिसके ऊपर पौधे हैं, जिसके ऊपर लाख की खेती की जा सकती है, लेकिन अरहर भी एक ऐसी फसल है जिसके ऊपर भी आसानी से लाख की खेती की जा सकती है, क्योंकि बेर और पलाश जो वृक्ष हैं इनको उगाने में और इनको प्रक्रिया करने में काफी जटिल है, क्योंकि काफी बड़े वृक्ष होते हैं और इनको लगाने की प्रक्रिया भी 2-3-4 साल की है। उसके अगर अनुपात में देखा जाए तो अरहर एक छोटी फसल है, 4-5 महीने में परिपक्व हो जाती है, और लाख की फसल भी, केतकी की फसल जो मई जून में होती है वो 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। तो अरहर पर इसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्र ने अरहर पर लाख की खेती पर अनुसंधान प्रारंभ किया है, और प्रारंभिक तौर पे हमने ये पाया है कि लाख की खेती अरहर पर आसानी से की जा सकती है, और किसान भाई अगर इस खेती को अपनाते हैं तो उनको अतिरिक्त लागत में, इस खेती जो पारंपरिक कर रहे हैं वो करें, और अतिरिक्त लागत अगर 5-10,000 रुपए और इस खेती के अंदर डालें लाख की खेती के लिए, जो कि 20 लाख के रूप में या फिर जो एक्स्ट्रा उनको मैन पावर यूज करना है, एक्स्ट्रा मजदूरी उनकी जो लग रही है, वो अगर वो डालते हैं
तो अरहर के साथ साथ लाख का उत्पादन भी ले सकते हैं और प्रति हेक्टर 40-50 हजार रुपए अभी हमारा अनुमान है मिनिमम लेते थे, लेकिन ये बहुत कम बता रहा हूं। अगर वो सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से लाख की खेती करते हैं तो एक अच्छी मात्रा में उनको अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में 4-5 राज्य मुख्य हैं जो लाख की खेती वृहद स्तर पर कर रहे हैं, वहां से लाख उत्पादन होकर पूरे देश में जा रहा है, देश में ही नहीं विदेशों में भी लाख भारत से निर्यात हो रहा है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 4 राज्य इसकी खेती में बहुत ही अग्रणी है और यहाँ पर वृहद स्तर पर इसकी खेती की जाती है और वहां के किसान इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इसका भाव वहां पर बाजार में सीजन में 100 रुपए से लेके 250 रुपए किलो तक भी जो बीज लाख है, जो कि क्रूड लाख है, वो बिकता है। हालांकि इसके कई स्वरूप हैं, कई इसका जो आपको मूल रूप से जो लाख मिलेगी उसको अगर प्रोसेसिंग के बाद उसको प्यूरिफाई करते हैं उसकी कीमत तो और बढ़ती जाती है, लेकिन किसान जिस लाख को जिस स्वरूप में बेचता है वो 200 रुपए 150 रुपए किलो के आसपास तक बिक जाती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने उदयपुर दौरे के दूसरे दिन बीलिया गांव पहुंची। जयपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने बीलिया गांव में विस्थापित और निर्धन परिवारों के लिए बनाए गए फ्लैट्स का भी अवलोकन किया। यूआईटी द्वारा बीलिया गांव में निर्धन और विस्थापित करीब 157 परिवारों को बीलिया में फ्लैट दिया है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री के हाथों औपचारिक रूप से वहां रह रहे लोगों को पट्टे दिलाए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लैट्स में घूमकर भी पूरी स्थिति देखी और यूआईटी के काम की तारीफ भी की। यूआईटी ने बीलिया गांव में कुल 432 फ्लैट्स बनाए हैं जो निर्धन हो और किसी भी तरह की सरकारी योजना को पूरा करने के दौरान बेघर हो गए हो ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए है। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में और आगे योजना बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर गृह मंत्री कटारिया, यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी सहित यूआईटी उदयपुर के अध्यक्ष रविन्द्र श्रीमाली भी मौजूद रहे। एक मौका मिलेगा इन सबको उड़ान भरने का। हम चाहते हैं कि आप लोग जब जो भी इस कॉलोनी में रह रहे हो, एक आप जैसे मेरे को बताया कि राशन की दुकान एक्सटेंशन और एक अन्नपूर्णा वो भी आ जाएगी। आप लोगों ने शायद आशा सहयोग लेने की भी मांग की है। वैसे आंगनबाड़ी का तो क्रैश के लिए सब लोगों को इकट्ठा करके बच्चों को आप लोग कहीं चले जाते हैं काम पे तो वो संभाल के जाएंगे, तो आने वाले समय के अंदर वो भी काम आपका हो जाएगा। और छोटे छोटे काम आपके हैं, मैं समझते चलो 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 आप जहाँ से आए वही पे कच्ची बस्ती थी, किसी रोड पहले से कुछ को अलॉटेड था
1999 में थे, पर वो हमारे पिताजी वगैरह शराबी थे, उन्होंने उस किसी मजबूरी के कारण उन्हें भेज दिया उसको। अब हमारे को रहने का ठिकाना नहीं है, पांच परिवार जिसमें 3 विधवा है। अभी डालता हूँ और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अजीतानंद सरदार के खिलाफ लामबद्ध हुए कई कर्जदार, सरदार ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद। मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न, 125 छात्रों को विद्या वाचस्पति से नवाजा। महारानी वसुंधरा का 2 दिवसीय दौरा हुआ पूरा, संभाग की जनता को दिखाया रिपोर्ट कार्ड, अधिकारियों और जनसेवकों को कहा जल्द हो सारे काम। और लाख की चूड़ियां दुनिया भर में खनकेगी, राजस्थान में उत्पादन को दिया जा रहा है बढ़ावा। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।